नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को नए जिले के रूप में क्षेत्रवासियों को दी सौगात। उल्टी और दस्त फैलने से ग्रामीणों में दहशत, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर की गई लूट। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से हुआ। उन्होंने इस अवसर पर जिले के मैप का अनावरण भी किया। साथ ही संबोधन में मुख्यमंत्री ने नए जिले के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई दी। उन्होंने जिले के तीनों ब्लॉक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की। साथ ही कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला है कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए शाम हो जाती थी, लेकिन अब यह सारी दिक्कतें दूर हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में नवा जिला जुड़ गए हैं। अंदरूनी गांव के लोगों को मुख्यालय के लिए 170 किलोमीटर भी जाना पड़ता था और रात को राजनांदगांव में ही रुकना पड़ता था। अब अंतिम गांव के व्यक्ति को भी मात्र 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। लोगों की मुश्किलें कितनी कम हो गई है। राजनांदगांव जिले में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करनी है। नए जिले के गठन का उद्देश्य भी यही है, ताकि लोगों की समस्या और विकास कार्य तुरंत क्रियान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आपके पास आऊंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, आपसे विस्तार में बात करूंगा और वहीं पर विकास निर्णय भी लिए जाएंगे। जिले को तेजी से विकास की दिशा में ले जाना है। भेंट मुलाकात कर कार्यक्रम में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नए जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन एवं SPY अध्यक्ष कुमार से भी लोगों का परिचय कराया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों के लिए 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड में एक दर्जन से अधिक लोग उल्टी और दस्त के शिकार हुए हैं, जिसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बतौली विकास खंड में ग्राम सेदम में 3 मोहल्लों में उल्टी दस्त फैलने की दहशत फैली हुई है, जहां एक दर्जन से अधिक पुरुष एवं महिला इसके चपेट में आ गए हैं और वहीं 4 लोगों का बतौली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस मोहल्ले में उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर तरीके से इस गांव में कैंप लगाकर प्रत्येक घर में जा जाकर इलाज किया जाए, ताकि इस बीमारी से होने वाली मौतों से बचा जा सके। इधर खंड चिकित्सा अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि बतौली विकास खंड में किसी भी तरीके से उल्टी दस्त फैलने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसी के साथ वो यह मान रहे हैं कि उल्टी दस्त के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दूरस्थ जहाँ पे पहाड़ी कोरवा पंडो लोग निवास करते हैं, वहाँ पे लगातार मोबाइल हेल्थ शिविर हम लोग लगा रहे हैं और ऐसे विकासखंड बतौली में ऐसा कोई भी गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप नहीं है। नहीं, ऐसा कोई किसी का मौत नहीं हुआ है। एक बुजुर्ग महिला थी, जरूर उनको उल्टी दस्त हुआ था, उसका ट्रीटमेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में हुआ। उसके बाद में उनको और भी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उनको मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रिफ़र किया, तो वहीं वो डेड की है। नहीं, दस्त तो फैला नहीं है, बाकी हमारे वो हॉस्पिटल में उल्टी दस्त हैं, 2-4 मरीज एडमिट हैं। मैं कैसा स्पेसिफिक किसी गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप नहीं है। राजधानी रायपुर में अब तक अपराधियों द्वारा डरा धमका कर लूट करने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अपराधी अब खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लूट की घटना को अंजाम देने लगे हैं। ऐसे 4 आरोपियों को हाल ही में रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। 31 अगस्त की शाम को भी इन आरोपियों ने गोगांव के पास ऑटो से उतरे व्यक्ति से 1000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मामले की शिकायत के बाद पुलिस की टीम आरोपियों की पतासाजी में जुट गई थी और आखिरकार आज मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोग जो है फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर के जो है कुछ पैसे का लूट करने का प्रयास किए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जो है कार्रवाई की जा रही है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।